दिक्कत है, अंदर का मुकम्मल व्यू आपको दिखाने के बाद बाहर व्यू से किस्म की डिजाइनिंग हुई है। बाहर का मनाजिर आप देखेंगे, देखें पूरी पूरे मदरसे को, पूरे इदारे को इन्होंने माशाल्लाह से एक ही तरह से डिजाइन किया है। अस्सलामुअलैकुम, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, अभी मौसम बहुत ही प्यारा है। तो आज के व्लॉग मैं जा रहा हूँ, आज सुबह सुबह तकरीबन सुबह के 9 बज चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त खालिद हसनैन खालिद साहब के मिजाज शरीफ पर, उनका मदरसा है, इदारा है, वहाँ जाते हैं। मुकम्मल वीडियो वहाँ की बनाएंगे, पूरा दिखाएंगे आपको उनका मिजार भी और उनका जो इदारा भी है। तो मिलते हैं फिर वहाँ जाकर। ये बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है उनका मिजाज शरीफ, बारिश लगी हुई हल्की हल्की। तो दुआ करें सही सलामत में पहुँच जाए, रक्षा मिल जाए मुझे। मैं पहुंच गया हूँ खालिद हसनैन खालिद साहब के बिल्कुल मदरसे के करीब। बारिश हो रही है हल्की हल्की, मेरे कपड़े सारे भीग चुके हैं इस वक्त, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। दुआ करें मेरा मोबाइल ना ख़राब हो। तो चलते हैं आगे उनके मदरसे के अंदर, जाकर फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, आपको मदरसे के अंदर का व्यू दिखाते हैं सारा। मज़ार अभी ज़ेर तमीर है, मज़ार अभी तमीर हो रहा है माशाल्लाह से। पीछे मदरसा बन रहा है, ये उनका पुराना मदरसा है, इदारा है ये पूरा जामतुल मुस्तफ़ा। माशाल्लाह से मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ जनाब खालिद साहब के बिल्कुल मदरसे के करीब। यहाँ पर उतारते हैं जूते। माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान के माने जाने नाथ खान थे, बहुत ही प्यारी आवाज थी, बहुत ही प्यारी आवाज थी। मौत पर मेरी, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। हमारे फखर चकवाल खालिद हसनैन खालिद साहब माशाल्लाह से अपनी 30 साल उम्र ने गुजारी है माशाल्लाह से। इनका इदारा है मुकम्मल यहाँ पर जो तैयार हो रहा है उसकी, ये कुरान कम्प्लेक्स जामतुल मुस्तफ़ा कुरान कम्प्लेक्स के नाम से इनका इदारा तैयार हो रहा है। तो पीछे तैयार हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं ये कैसे तैयार हो गई है। फातिहा वगैरह करते हैं, दुआ शुआ मांगते हैं, तो इसारे सवाब करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस वक्त मैं खालिद हसनैन खालिद साहब के मिजाज शरीफ से हाज़िरी देकर उनके जो इदारा है उनका उसके अंदर जाते हैं, अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। कुछ तस्वीर हैं जो आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से ऐसा बनाया गया है, इसको ऐसा बनाया गया है कि देखने वाले की आंखें जो हैं वो दंग रह जाती हैं। माशाल्लाह अंदर चलते हैं, अंदर के जो तलबात पढ़े हैं उनका भी व्यू दिखाते हैं आपको, जो अंदर लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो उनका दिखाते हैं आपको सब। बारिश हो रही हल्की हल्की, तालबा इकराम जो हैं वो इस वक्त पढ़ रहे हैं। यहाँ अंदर जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, वो दिखाते हैं आपको। उम्र भर की, उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी, उम्र भर की। माशाल्लाह
माशाल्लाह से इतना प्यारा डिज़ाइन किया गया है इदारे को, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, खूबसूरत किस्म की टाइलें लगाई गई हैं इसके अंदर, माशाल्लाह से इतना प्यारा है। मैं आज पहली बार इस इदारे के अंदर आया हूँ तो माशाल्लाह से मैं हैरान रह गया हूँ, इतना प्यारा बनाया है इन्होंने इदारे को, इतना प्यारा यहाँ पर इतना प्यारा मंजर है ना कि आँखें जो है वो दंग रह जाती हैं देखकर। मुकम्मल तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है इस वक्त, देख सकते हैं आप पूरा हाल इसी तरह डिज़ाइन है। तलबे इकराम पढ़ रहे हैं, मैंने व्यू दिखाया है आपको, ऑफिस भी है यहाँ पर, तो ऑफिस भी यहाँ पर बने हुए हैं, उसके बाद बाग भी है यहाँ पर, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं इसके अंदर, गुलाब के भी हैं और भी दरख्त लगाए गए हैं मुकम्मल। तो इस वक्त अंदर का मुकम्मल व्यू आपको दिखाने के बाद बाहर भी उसी किस्म की डिजाइनिंग हुई है, बाहर का मनाजिर आप देखें, ये देखें पूरी पूरे मदरसे को, पूरे इदारे को इन्होंने माशाल्लाह से एक ही तरह से डिज़ाइन किया है, इतनी प्यारी डिज़ाइनिंग हुई है, इतनी प्यारी डिज़ाइनिंग हुई है। तो अभी हुआ यह है कि 9:30 बज चुके हैं, अलविदा करते हैं खालिस साहब के इदारे को, तो जाते हैं घर, शायद घर पहुँचूँ, पहले घर जाते हैं। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, लाजमी से लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ लोग वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के व्लॉग मैं करूँगा यहाँ ही एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।